वो सीधे खातों में जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, कोई 80 यूनिट करता है, कोई 120 करता है। तो जो भी पैसा है 200 यूनिट का, बजाय डिस्कॉम्स को खिलाने के, आम आदमी के खाते में डालिए और जितना वो कंज्यूम करे उसका पैसा उसके खाते में उसको मिलना चाहिए। चौथी बात जो है, 500 मेगावाट बिजली जो दादरी 2 था, जो NTPC से हमारा एग्रीमेंट जो था, बायलेटरल एग्रीमेंट 2035 तक था। सत्येंद्र जैन जी बिजली मंत्री है थे, क्या है वो, उन्होंने खुद कहा था स्वयं कि हम जो है ये दादरी की पावर जो है हमको नहीं चाहिए, और वो दादरी की पावर सरेंडर करके पिछले साल नवंबर से अडानी पावर जो है 500 मेगावाट बिजली दिल्ली को सप्लाई कर रही है। और जो टेंडर होते हैं, अगर लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट होते हैं तो हेराफेरी का होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप बाइंग करते हैं, टेंडर करते हैं, तो जो बिचौलिए हैं उनकी जेब में बहुत पैसा जाता है। अगर आप मेरे पास तमाम रिकॉर्ड हैं, अगर आप देखें स्पॉट बाइंग के लिए, शॉर्ट टेंडर के लिए 18 रुपये यूनिट तक खरीदी जा रही है, जबकि दादरी की बिजली हमको 4 रुपये कुछ पैसे में मिलती थी। तो ये किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये हम अरविंद केजरीवाल जी से जानना चाहते हैं। और हमारी मांग कि जल्दी से जल्दी ये जो फिक्स चार्जेस के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, PPF फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्जेस ये है, अगर 5 किलो वाट का आपके घर में मीटर है तो आपको 650 रुपये देना पड़ेगा, जो कांग्रेस की जब सरकार थी तो केवल 100 रुपये देने पड़ते, उसके माध्यम से करोड़ों रुपये जो आ रहा है। उसके बाद जो आदमी बेचारा कमर्शियल यूज़ करता, वही झुग्गी में रहने वाला, वही छोटी गली मोहल्लों में रहने वाला, कॉलोनी में रहने वाला, उसकी अगर छोटी मोटी दुकान है तो घर का बिल तो आता उसका 0 और उसकी दुकान का बिल आता 2300 रुपये से 3000 रुपये तक। तो हम केजरीवाल जी से मांग करते हैं कि ये जो जिस तरीके से बढ़ाए गए हैं चार्जेस, इनको वापस लिया जाए, और CAG का ऑडिट जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करके जल्दी से जल्दी उस जजमेंट की दरख्वास्त की जाए, ताकि लोगों को राहत मिल जाए। थैंक यू। पहले देकर केजरीवाल जी खंभे पे चढ़े थे और दिल्ली के लोगों को लगा कि शायद केजरीवाल जी के हाथ में कोई ऐसा अलादीन का चिराग है जिसको रगड़ कर को दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे देंगे। आज जैसा मैंने जिक्र किया कि जितना पैसा सब्सिडी में 6 साल में दिया गया 11,300 करोड़ के आसपास, और जो कमाई की गई वो करी गई 37,613 करोड़ रुपये, जो लूट हुई है दिल्ली वालों के साथ। पंजाब में आप जाकर 300 यूनिट बिजली देने की बात करते हो, आप कहते हो हमारे पास बजट की कमी नहीं है। बजट की तो कमी इसलिए नहीं है क्योंकि डेवलपमेंट का काम कोई सड़कों पर या फ्लाईओवर नया या ट्रांसपोर्ट की बसेस की अगर आप हालत देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फंड कहाँ जा रहा है। उसके बावजूद जिस दिल्ली ने केजरीवाल जी को अरविंद केजरीवाल बनाया, उस दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए। दूसरा, CAG का ऑडिट जो है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग और सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट पिछले 4 वर्षों से लंबित पड़ा है, आज तक अरविंद केजरीवाल ने उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया है। हमारी मांग है, जो कल जो डेमोन्स्ट्रेशन है, हमारी मांग है कि जो जजमेंट है उस सुप्रीम को, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए और जल्दी से जल्दी वो निर्णय आए, क्योंकि अगर CAG के ऑडिट की इजाज़त मिल गई तो ये जो तमाम हेरा फेरियाँ हमारी, और एक हमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट मांग है कि जो सब्सिडी के पैसे हैं वो सीधे खाते में जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 200 यूनिट इस्तेमाल नहीं करते, कोई 80 यूनिट करता है, कोई 120 करता है।
तो जो भी पैसा है 200 यूनिट का बजाय डिस्कॉम्स को खिलाने के आम आदमी के खाते में डालिए और जितना वो कंज्यूम करे उसका पैसा उसके खाते में उसको मिलना चाहिए। चौथी बात जो है 500 मेगावाट बिजली जो दादरी 2 था, जो NTPC से हमारा एग्रीमेंट जो था बायलेटरल एग्रीमेंट 2035 तक था। सत्येंद्र जैन जी बिजली मंत्री हैं है, थे क्या है वो, उन्होंने खुद कहा था स्वयं कि हम जो है ये दादरी की पावर जो है हमको नहीं चाहिए, और वो दादरी की पावर सरेंडर करके पिछले साल नवंबर से अडानी पावर जो है 500 मेगावाट